यहाँ गाड़ी हल्की रहनी चाहिए या कैसी, ये जो रोड है ये ऐसा ही हे गाइस, गुड इवनिंग, माई सेल्फ राहुल मित्तल, बायोफिजिकल ट्रेनर। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं गाइस? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, मैं उनका नाम जान लेता हूँ, क्या नाम है और कौन सा डे है, क्या कॉन्फिडेंस है। हेलो मैम, गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? नेहा सिंह। कौन सा डे है आज आपको? नाइन्थ डे है, ओके। सो गाइस, मैडम से बात कर लेते हैं कि इनके पास कौन सी कार और इन्होंने नाइन्थ डे में क्या क्या सीखा है। मैम आपके पास कौन सी कार है? मेरे पास इको स्पोर्ट है। और आपने अभी तक क्या क्या सीखा है? अकेले गाड़ी अपनी निकाल पा रही है नाइन्थ डे के अंदर? हाँ निकाल पाती हूँ, लेकिन राइट निकाल सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा जैसे बैक करना है, थोड़ा सा क्लच का अभी नहीं लग पा रहा है अंदाज़ा, लेकिन हाँ ये है कि जितने अच्छे से आप सिखाते हैं तो उसमें यही सब चीज़ें कवर कर लूँगी। यहाँ से लेफ्ट जाना है, हॉर्न के लेफ्ट वाले को ज़्यादा बचाना है। देखो लेफ्ट में ही गाड़ी आपकी रगड़ रही है, लेफ्ट वाले को क्या चाह रहे हो, बोनट पे बिठाना है, लेफ्ट जाना है। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं बजरंग चौराहे पे और ये सिंगल रोड है, बहुत कंजेस्टेड एरिया है। सिंगल रोड पे असल में थोड़ा इधर आउट एरिया है, तो यहाँ पे राइट रखो हल्का। यहाँ पे क्या है ना कि थोड़ा सा लोग ध्यान नहीं देते, कोई कहीं से भी आ जाता, कोई लेफ्ट से कोई राइट से। हरी ताज़ी सब्जी मिलती है यहाँ पे, देख रहे हो आप, ये देखो हरी ताज़ी सब्जी, लोग बैठे हुए बिंदास। तो सर मैंने भी गाड़ी निकाली थी वहाँ से, टर्न से सही थी गाड़ी, बहुत गजब निकाला एकदम उमदा मैडम, औसम, बहुत प्यार से आपने, बहुत सच्ची में वाक्य में। पासिंग डिपर दे दो, ये आ गई आपकी इको स्पोर्ट, ब्रेक पे पैर रखो, जाने दो, कोई नहीं, राइट रखो हल्का, लेफ्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि इधर खाई भी है, कुआं भी है, है ना, तालाब है, हमें खाई में भी नहीं जाना, कुएं में भी नहीं जाना, बस मुस्कुराते रहिए, चलते रहिए धीरे धीरे। सो गाइस अभी हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं, अपना यहाँ से लेफ्ट लेना है मैम, और टर्निंग पे राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे आ जाना चाहिए, कंपलसरी ब्रेक दबाना ना दबाना एक अलग चीज़ है, बट पैर आना बहुत ज़रूरी। देख रहे हो ताज़े ताज़े गोलगप्पे चल रहे हैं, इधर पानी गरम पानी होगा, लेकिन अभी सर हाँ पानी गर्म होगा, ठंडा नहीं होगा, स्पीड बढ़ा लीजिए। हाँ कोई नहीं मैडम, आप गाड़ी चलाइए, फिर आपको हम बढ़िया सी कॉफ़ी पिलवाएंगे। जिस दिन आप राइट जाना ब्रेक पे पैर, जिस दिन आप बढ़िया सी गाड़ी चलाएंगे ना, मुझे पिछली सीट पे बैठाएंगे, अगली नहीं, उस दिन मैं आपको कॉफ़ी पिलाऊंगा जहाँ पे आप कहेंगे, ठीक है? हॉर्न बजाइए, हॉर्न, अब कॉफ़ी के चक्कर में आप हमको पिटवा मत दीजिएगा। देखो आपने भी हॉर्न नहीं दिया उस बंदे को, गाड़ी एंड मोमेंट पे पहुंच गई थी, ठीक है? अभी कॉफ़ी कैंसिल, चॉकलेट, मैं तो कॉफ़ी बढ़ाइए धीरे से, हाँ इसको हॉर्न दीजिए, थोड़ा बिफोर प्लान करना होता है मैडम, जितना बिफोर प्लान करेंगे ना उतना अच्छा चला पाएंगे। हॉर्न दिया और बीच में आ गया है, अब बताइए क्या करा जाए। नहीं राइट कॉल का जाने दो, घबराइए नहीं, जो डर गया वो डर गया। आप जानते हैं जो ये आपने बोला ना यार, कल रात को भी इन्होंने यही डायलॉग दिया था, क्या? और I-10 निकलवाई थी गली से मेरी, और मेरे गली के मोड़ पे बिल्कुल वो एक क्रेटा खड़ी करते हैं जी। जब ये निकालते हैं तो एक्सपीरियंस्ड हैं और ये कहते हैं कि यार ये इतनी गंदी तरीके से खड़ी करता है, यानी कि इनको भी कहीं ना कहीं कोई डाउट है, डाउट है। इन्होंने मुझे वहां से जब निकलवा दी, मैंने कहा अब मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं बड़े प्यार से निकालूंगी गाड़ी, गुड। और मैं कल रात को इनके बिना किसी डायरेक्शन के निकाली गाड़ी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक तरफ नाली भी थी उसमें। अब देखो डायरेक्शन के चक्कर में आप स्पीड ब्रेकर पे ब्रेक पे पैर रखना भूल गए, तो आप ना थोड़ा सा बातों में ध्यान कम दीजिए, बातें मत छौंकिए, गाड़ी पे ध्यान दीजिए, ठीक है? बतियाइए कम। अरे मुझे कॉफ़ी पीनी है, कॉफ़ी पीए तो कॉफ़ी में पिला दूंगा, लेकिन आप बातें मत छोको, ठीक है? अभी ड्राइविंग पे ध्यान दो। आपने मुझे इतना अच्छा सिखाया कि मैंने गाड़ी निकाल ली। हाँ तो स्पीड ब्रेकर पे ब्रेक पे पैर क्यों नहीं है आपका, बताइए। खा लेने चाहिए थोड़े से। आगे नहर है, कौन सी रोड है? नहर है, नहर है, ठीक है। सामने ऑटो भी आ रहा है, टेम्पो भी आ रहा है, बगल में भट्टा भी है ईंट का। पासिंग डिपर यूज़ करो, राइट रखो, इधर कांटे पड़े हैं बबूल के, जाओ चलो जाने दो, गुड। सामने से इंडेवर भी आ रही है, स्पीड कम, कुछ नहीं होना अभी। हाँ इंडेवर आ रही है, स्लो, फॉर्च्यूनर या इंडेवर दोनों में से स्लो कर लो। हाँ स्लो कर लो, अपना लेफ्ट दबा लो, हाफ क्लच दबा के थोड़ा सा गाड़ी डाउन करो, जाने दो धीरे धीरे, रोकना नहीं, राइट काटो राइट, अब पहले गियर में करो उसको, जाओ रेस करो हल्का। नेहा जी पूरा क्लच नहीं दबाया था आपने, पूरा क्लच हल्का ब्रेक,
अरे गाड़ी बढ़ाने के लिए जब गियर चेंज किया तो क्लच पूरा दबाना चाहिए। फिर आपने कहाँ दबाया? हाँ मैं हाफ क्लच पे रह गई, मुझे ध्यान था कि मैं गाड़ी वैसी बढ़ा रही हूँ, मैंने गियर भी चेंज किया। जब स्पीड बढ़ाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर करो। क्लच नहीं दबाया फिर नेहा जी, पूरा बाद में दबाया, पहले आपने गियर खींचा बाद में क्लच दबाया। ऐसा अगर आप ये ऐसा कांड करेंगी तो 35,000 का चूना लग जाएगा। सॉरी सर, अब नहीं होगा पक्का। स्पीड कम करो पक्का। कभी भी गियर डालना है तो पहले पूरा क्लच फिर गियर को चेंज करो, क्योंकि प्रॉपर तरीके से क्लच नहीं दबाएंगी तो इंजन फ्री नहीं हो पाएगा और फिर वहाँ पे गियर बॉक्स में प्रॉब्लम आ जाएगी। गियर धीरे 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 उसकी गराड़ियाँ कट जाएंगी और गियर अपने आप न्यूट्रल हो जाएगा। हॉर्न पासिंग डिपर दो, दादियाँ नहीं हटेंगी। हाँ अब रोकना पड़ेगा आपको, पहले गियर में करो। जाओ जाओ, बढ़ाओ धीरे से, राइट काट के जाओ। चलो राइट काटो धीरे से, हल्का एक्सीलेटर लो, जाओ जाओ। चलो अब देखो हैं, गाँव वाँव में ऐसे ही होता, लोग हटते नहीं हैं, हटते ही नहीं लोग, जाने दो धीरे धीरे। लॉन्ग हॉर्न पुश करो, चलो अभी आगे से गाड़ी हो रहा है। हाँ थोड़ा भैंसे भी जा रही, ध्यान रखना, और गाड़ी अपनी लेफ्ट में रखना, ज़्यादा राइट में, लेफ्ट आओ। हाँ कोई नहीं, स्लो कर लो। वहाँ कहाँ घुसते जा रहे हो, यहाँ दो गाड़ी कहाँ निकल पाएंगी मैडम? क्यों आप जा रहे थे आगे? बढ़ाओ, जाओ जाओ, राइट काटो हल्का, बस लेफ्ट आओ, लेफ्ट राइट काटो। अब देखो इधर स्पेस था, ये नाली थी एकदम, सट के जा रहा था टायर, आप फिर भी जा रही थी। क्या ज़रूरत थी आपको? थोड़ा सा रुक जाना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, राइट खोल का ऐसी सिचुएशन में गाड़ी रोक लेना चाहिए। फुल क्लच हल्का ब्रेक हल्का, हाँ राइट काटो, हॉर्न बजाओ, ये हटने वाली नहीं है, जाओ रेस तो लो। राइट रखो, राइट 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 मैडम, राइट हम राइट, देखिए 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 मैडम राइट में आपके कितना स्पेस है। अरे राइट में देखो कितना स्पेस, 2.5-3 फीट का स्पेस है। क्या नेहा जी, भैंसा भैंसी के बीच में। इधर लेफ्ट रखो, राइट में गड्ढा है काफी बड़ा। राइट को हल्का राइट बहुत ज़्यादा है, वो देखो कितना बड़ा खड्डा था है। हाँ। चलो अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हैं, स्पीड बढ़ाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर करो। राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे नहीं आया था, पैर लेफ्ट आओ, गलती और करी थी आपने, राइट से निकालो, राइट से। हमने सब कुछ ध्यान दिया, जब हमारी बात आप नहीं मान रही नहीं, तो हम क्या करें? मैंने, आपने एक देखो सब ब्यूटी पार्लर से निकल के आ रही, दूर रखना दूर रखना दूर रखना, सब देख रहे हो, सब एकदम स्विमिंग पूल से नहा के, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, सारी स्विमिंग पूल में नहा के निकली है। यहीं से स्लो टर्न करो, कार भी आ रही है सामने से, चलो बढ़ाओ हल्का से स्लो, ट्रक आ रहा है सामने से, ये सिंगल रोड है, थोड़ा इस पर ध्यान देना, डिपर यूज़ करो 2-3 बार। हाँ चलो बस, अभी जो सामने ट्रक आ रहा है उससे पहले आपको अपनी गाड़ी नीचे उतार लेनी है, क्योंकि लोडेड ट्रक जो होता है ना, अभी एक टायर नीचे उतारो, सिग्नल दो लेफ्ट का, हाँ, और धीरे धीरे गाड़ी नीचे लियो, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर लोडेड होगा तो साइड नहीं करेगा, बस हाँ हल्का लेफ्ट और आओ, बस 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 जाओ, क्योंकि बड़ी गाड़ी वाले नीचे नहीं करते हैं, ठीक है जी। स्पीड बढ़ाओ, जाओ जाने दो, डिपर यूज़ करो, अब नीचे मत उतारना अपनी गाड़ी, इस गाड़ी के लिए नीचे उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, कतई मत उतारना अपने लिए, नहीं नहीं हम अलर्ट हो रहे हैं ना, क्लच और ब्रेक से, बस उतारी ना उसने जी, जी, ये देखो उतारी, ये पासिंग देने का फायदा था, पासिंग देने का फायदा यही होता है कि अगर आप सामने वाले को पासिंग देते तो उसने देखो पूरी गाड़ी उतार ली, ठीक है, हालांकि एक टायर आपको भी उतारना चाहिए, दोनों को कोऑपरेट करना चाहिए, बस मैं आपको सिर्फ इतना दिखाना चाह रहा था कि अगर आप नहीं नीचे उतारोगे तो अगला बंदा उतारेगा, क्योंकि वो अलर्ट है, वो आपको नोटिस कर रहा है, इसमें मतलब दबंगई नहीं दिखानी है, और अगर करोगे तो फिर गाड़ी बढ़ जाएगी, नुकसान दोनों का होगा। यहाँ पे गोमती नदी आ रही है, राइट ही रखो, नीचे मत, अच्छा कार के लिए नीचे उतार, बाइक के लिए नीचे उतार रहे हो? अरे नीचे नहीं उतार रहे थे सर, स्टीयरिंग सीधा, यही जाता है कुकरेल में पानी, देख रहे हो ये पूरा, पासिंग डिपर दो इसको, उतारना मत नीचे, नहीं उतारूंगी, देख रहे हो फोन पे लगा हुआ है, लेकिन हमने भी सही लिया ना, एकदम परफेक्ट लिया आपने, ये सीधा मानस टाउन के लिए रास्ता जाता है,
मानस टाउन, मानस ग्रीन, मानस सिटी, सीधा निकल सकते हो आप यहीं से। शॉर्टकट्स हैं ये सारे, शॉर्टकट्स हैं। स्पीड बढ़ाओ, राइट रखो हल्का, जाओ पासिंग डिपर। नेहा जी आप भूलती बहुत हैं, अभी देखो नीचे उतर गई गाड़ी है। कार के लिए तो आपने नीचे उतारी नहीं और बाइक के लिए नीचे उतार दी, क्या मैडम? इस लेफ्ट वाली वाइट लाइन पे आपका लेफ्ट वाला टायर चलना चाहिए, ये टास्क है आपके लिए। अब ठीक है ना, चल रहा है ना, एकदम चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है, ये देखो चल रहा है। अब गैप हो गया 1 फीट का, अब देखिए अभी भी गैप है, अब चल रहा है, ज़्यादा गैप नहीं करना है। कार चलाना बहुत आसान है, स्पीड बढ़ाइए, क्लच दबा के थर्ड गियर, पहले स्पीड 30 प्लस जाओ आप, 30 प्लस। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के थर्ड गियर सेंटर में, वेरी गुड। कुश्ती नहीं लड़नी है, पीछे आपके कार है, बहुत प्यार से दिया। लेफ्ट का सिग्नल दो, गाड़ी नीचे उतारो, हल्का गियर डाउन करो, सेकेंड करो। नेहा जी आपने क्लच फिर नहीं दबाया, वेरी बैड, बार बार आपको निकलते गिर, क्लच नहीं दबाती हैं। सेकंड तो लग गया, बट आप अगर क्लच नहीं दबाएंगे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी ना फिर। आप बार बार वही मिस्टेक कर रही हैं, लेफ्ट आ जाओ। मैम सॉरी कहने से काम नहीं होता, हर बार आप सॉरी बोलती हैं। क्लच छोड़ो नहीं, आप गियर डाल रही हैं तो आपके दिमाग में ये भी तो बात होनी चाहिए ना भाई, क्लच दबाना कंपलसरी है, ऐसे फिर नुकसान ज़्यादा हो जाएगा ना, दिक्कत मेरे लिए हो जाएगी फिर, बाकी फिर और लोग जो हैं उनको कहाँ ले जाऊँगा मैं, फिर मजबूरी में मुझे इधर से क्लच, इधर ही दबा के चल रहे हैं क्योंकि पीछे से एक और गाड़ी आ रही है, वो निकल जाए। मैं वही कह रहा हूँ, फिर मजबूरी में मुझे क्लच ब्रेक खुद से दबाना पड़ेगा। एक बार अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए पहले,